हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने मिब्रो के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आप लोगों ने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना है तो मैं इसका आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, ये कंपनी शाओमी के इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है। अगर आप इसको सिंपल भाषा में बोलोगे तो ये कंपनी शाओमी की ही एक सब ब्रांड है। इस कंपनी को जब हम बोलते हैं या फिर नेट पे सर्च करते हैं तो इस कंपनी के आगे हमें लिखा हुआ मिलता है शाओमी मिब्रो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी इसलिए हाईलाइट में आई है क्योंकि इसकी एक स्मार्ट वॉच मार्केट में आने वाली है जिसका नाम है शाओमी मिब्रो एयर। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी स्मार्ट वॉच के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं और ये स्मार्ट वॉच 30 नवंबर को लॉन्च होगी। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो वीडियो शुरू करने से पहले शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाकर शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहां पे नहीं खड़ा हूं, पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। दोस्तों, अगर इस स्मार्ट वॉच की बॉडी की बात की जाए तो इस स्मार्ट वॉच की बॉडी इस स्मार्ट वॉच की हाईलाइट भी है क्योंकि इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को मेटल की बॉडी देखने को मिलेगी जिससे कि ये स्मार्ट वॉच स्क्रैच प्रूफ हो जाती है। यानी कि इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को स्क्रैच प्रूफ बॉडी देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात की जाए तो इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 95% स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि ये स्मार्ट वॉच सर्कुलर राउंड डायल शेप में आप लोगों को मिलने वाली है। सो दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच में बेजल्स बहुत ही कम होंगे जिससे कि ये स्मार्ट वॉच देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगने वाली है। वहीं अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 1.28 इंचेस की फुल टच TFT कलर डिस्प्ले देखने को मिलेगी। दोस्तों, TFT कलर डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम इस स्मार्ट वॉच को सनलाइट में भी लेके निकलेंगे तो इस स्मार्ट वॉच में सब कुछ क्लियरली दिखाई देने वाला है। वहीं दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच में हमें कस्टमेबल वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे जिसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच में एक चीज़ हमें खास देखने को मिलेगी, वो है रोटेटिंग मेन्यू। यानी कि इस स्मार्ट वॉच की जो एप्लीकेशन होगी वो हमें राउंड शेप में देखने को मिलेगी इस स्मार्ट वॉच में, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। अगर हमें कोई भी ऐप को सर्च करना है या ऐप को टच करना है इस स्मार्ट वॉच में तो हम उसको राउंड शेप में घुमाएंगे और वहाँ पर जाके क्लिक कर देंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा लगता है। अभी तक जितनी भी सारी स्मार्ट वॉचेज़ हैं उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ पहले कभी नहीं किया गया। यानी कि इस तरह का जो मेन्यू है किसी भी स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस स्मार्ट वॉच में ये मेन्यू देखने को मिलता है जिससे कि स्मार्ट वॉच काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने में लगती है। वहीं दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 12 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से मैं आप लोगों को कुछ के नाम बता देता हूँ, जैसे कि आउटडोर रनिंग, इंडोर रनिंग, वॉकिंग, फुटबॉल, साइकिलिंग। इस तरह के स्पोर्ट्स मोड आप लोगों को इस स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए सेंसर्स की तो इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को इनबिल्ट PPG हर्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि आपकी हर्ट की एक्यूरेट डिटेल आप लोगों तक प्रोवाइड करा दिया करेगा। वहीं इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को स्लीप मॉनिटरिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर देखने को नहीं मिलेगा और ना ही स्ट्रेस मॉनिटर देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसमें आप लोगों को कैलोरीज बर्न और स्टेप काउंट जैसे ट्रैकर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए बैटरी की तो इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को 200 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि अगर आप इस स्मार्ट वॉच को स्मार्ट वॉच मोड पर चलाते हो, यानी कि टिपिकल स्मार्ट वॉच मोड पर चलाते हो, तो इसकी बैटरी 10 days का बैटरी बैकअप आप लोगों को देगी। वहीं अगर आप इस स्मार्ट वॉच को पावर सेविंग मोड पर चलाते हो तो इस स्मार्ट वॉच की बैटरी 25 days का बैटरी बैकअप आप लोगों को देने वाली है। दोस्तों, इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिससे कि ये स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो जाएगी एंड्रॉयड और iOS दोनों ही डिवाइसेस से। वहीं इस स्मार्ट वॉच को IP68 की रेटिंग मिली हुई है, यानी कि आपके पसीने वगैरह और या थोड़े बहुत पानी का इस स्मार्ट वॉच पर कोई असर नहीं होने वाला। अगर स्मार्ट फीचर्स की बात की जाए तो इस स्मार्ट वॉच में आप लोगों को म्यूज़िक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट, फाइंड माय फोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा।
जो कि बाकी की सारी स्मार्ट वॉचेज में भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, ये स्मार्ट वॉच इतनी भी खास नहीं है, कुछ नया इस स्मार्ट वॉच में हमें देखने को नहीं मिलता। बस एक चीज़ इसमें हमें नहीं देखने को मिलती है, जो है रोटेटिंग मेन्यू। और इस स्मार्ट वॉच का जो प्राइस है वो भी लगभग 4,500 रुपये के आसपास है चाइना में। लेकिन जब ये नया में लॉन्च होगी तो मुझे नहीं पता कि इसका प्राइस क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस है वो 4,000 रुपये के आसपास रहने वाला है इंडिया में। तो इस स्मार्ट वॉच में इतनी भी अच्छी कोई खास बात नहीं है जो कि हम इसको परचेज़ करें। अब इंडिया में ऑनर बैंड 6 भी आने वाला है, तो उसके कंपैरिजन में ये स्मार्ट वॉच कहीं भी नहीं टिकती। तो ये स्मार्ट वॉच इतनी खास नहीं है। बस मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि इस स्मार्ट वॉच के बारे में आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि हमारे चैनल पे स्मार्ट वॉच से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जो दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।